एंड टीम स्किल्स, वर्चुअल टीम्स आउटपुट्स, फिजिकल रिसोर्स असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट टीम असाइनमेंट्स, रिसोर्स कैलेंडर्स, चेंज रिक्वेस्ट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान अपडेट्स, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स अपडेट्स, पीएफ एंड ओपीएस अपडेट्स। देखें, कुछ प्रोजेक्ट्स में ना जब हम रिसोर्स एक्वायर कर रहे होते हैं, ऑलरेडी डिसाइडेड होता है कि ये बंदे आएंगे, चाहे वो आपकी कंपनी में हैं या पहले थे। फॉर एग्जाम्पल, जो प्रोजेक्टाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, उसमें लोग आते हैं और चले जाते हैं। अब नया प्रोजेक्ट आ रहा होता है ना, हमेशा प्री असाइनमेंट होती है कि मैंने साइट मैनेजर इसको रख लेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर ये आ जाएगा, ये लोग हम लोग इस तरह वेल्डर यहाँ से आ जाएंगे। पाकिस्तान में, ऑल ओवर द वर्ल्ड में जो बड़ी कंपनीज हैं, उनके ऑलरेडी प्री असाइंड रिसोर्स होते हैं कि उनके पास एक डेटाबेस होता है, ये लोग यहाँ से आएंगे, तो हम ऑलरेडी प्री असाइनमेंट कर लेते हैं। फिर डिसीजन होती है उनके ऊपर, इंटरपर्सनल होता है, जो है वर्चुअल टीम्स होती हैं। लेट्स स्टडी दिस इन डिटेल। जी अदनान, प्लीज रीड करते हैं। एक्वायर रिसोर्सेज प्री असाइनमेंट। व्हेन फिजिकल और टीम रिसोर्सेज फॉर अ प्रोजेक्ट आर डिटरमाइंड इन एडवांस, दे आर कंसीडर्ड प्री असाइंड। वर्चुअल टीम्स ग्रुप विद लिटिल और नो टाइम स्पेंड मीटिंग फेस टू फेस। Resource calendar identifies the working days, shifts, business hours, weekends and holidays. जी, इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। We are, ये गलत लिखा हुआ है, execution acquire resource। अच्छा, इसका मतलब क्या है? We are finding the right resource for the right position, follow normal hiring process specific to the project, negotiate with line managers to get the dinner resources. There are so many ways to get the resources. And I think you guys have been to the interviews and all those things, so you guys already know what are the methods and how to get the resources. There are different ways for different organization. Ji, yeah, please read karte hain. Acquire resources definition. Acquire resources is the process of obtaining team members, facilities, equipment, materials, supplies and other resources necessary to complete project work. Obtaining team members, facilities, equipment, materials, supplies, complete project activities. The key benefit of this process is ensuring that the assigned resources are available to the project at the right time and in the right place. Okay, this is clear na? This is simple, that you have to get the resource for the right time at right time. Acha ji, Amir bhai, mera pichla question tha virtual team ke lihaz se. Wait, okay. Jo ITTOs the na, isme aayenge to ITTOs clear ho jayenge, jo nahi honge main bata dunga aapko, theek hai? Okay. Acha ji, EF is very important in this availability. Who are available and when? Ability, कोई काम कर सकता है कि नहीं, experience कितना, interest कितना, cost क्या है, आपके culture में कहाँ है। For example, if you are working in Sweden, ठीक है, यही training जो मैं दे रहा हूँ, एक colleague है, कभी साथ था, वो PMP की training Sweden से ले रहा है। He told me यहाँ पे 3000, 4000 तक इसकी net cost है dollars में, ठीक है, और मैं उसको $300 ले रहा हूँ, ठीक है, तो व्हाट डू यू थिंक, उसको तो मुफ्त में नहीं पड़ गया, राइट? या ठीक है, सही है, वेरी करता है सर्कमस्टांसेस टू सर्कमस्टांसेस कि आप कहां पे है, क्या कॉस्ट है, क्या नहीं है। और अगर आप पाकिस्तान से देखें ना, पाकिस्तान से कंपेयर करें, आई एम वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव ट्रेनर ऑफ पीएमपी, ठीक है। आई डोंट नो आप लोगों के साथ क्या यू सभी कमिटमेंट थी, क्या नहीं थी, बट आई डोंट गिव डिस्काउंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, मेरी वाइफ के की कोलीग के हस्बैंड ने कॉल की, ही वांट टू गेट द ट्रेनिंग, तो उन्होंने कहा, मैंने बताया $300, उन्होंने कहा नहीं डिस्काउंट, मैंने कहा सॉरी, आपने करनी है तो करें, नहीं करनी तो ना करें। आई हैव दिस एटीट्यूड, अगर मैं इसलिए खुद कभी भी डीलिंग नहीं करता, मेरा ये थोड़ा सा ना वो सेल्समैन वाला एटीट्यूड नहीं है। अदनान, आपका एटीट्यूड कैसा है इस चीज में? मैंने कभी इस तरह की मतलब कोई चीज की वैसे के साथ, हाउ गुड आर यू एट नेगोशिएशन? नेगोशिएशन इन टर्म्स ऑफ सेलिंग समथिंग और बाइंग समथिंग और बोथ, गुड इनफ, मतलब बहुत अच्छा भी नहीं, पूरा गुड इनफ। यू गाइस नीड टू बिकम वेरी गुड एट नेगोशिएशन, बट रिमेंबर वन थिंग, never negotiate on your values. For example, I know what the value I am giving to the customer. I know if someone comes to me, I will make sure that they will clear the PMP exam. So I don't negotiate on that thing. I accept the market may be giving something at less price. But as I have always said, I'm a fan of iPhone. So I believe giving maximum value. And if you are giving maximum value, never afraid for asking the maximum amount. This is a very important thing when you go to the next job interview.
always be courageous to ask more. There, people says that ask what is the market value. For example, whatever the job you are doing, maybe the market value is 2 lakh. And if you think you are doing the work of 5 lakh, you can give them a value of 50 lakh. Ask more. Clear, Adnan? Yeah, Burhan? Yeah, always remember, aapko bhi milega jo aap mangoge. Achha ji. Negotiation, isliye main bata raha tha. Achha ji, pre-assignment, we discussed acquisition, aap resource leke aate, virtual team. Yeah, please read. It is a collection of task-driven members separated by geographic space. Reason for building virtual teams: add special expertise, incorporate employees who work from home offices, form teams who work in a different shifts, hours or days, include people with mobility limitations or disabilities, enable projects to move forward which would have been ignored due to travel expense. Virtual teams further study kare. Good communication is critical for virtual team. Technology in virtual team, teleconferencing, voice over IP, video conferencing, web conferencing, desktop sharing, chat, email, collaboration tools, document management. Now you see, this is very important. Communication plays an important role. Even if you are with me in class of 30 or 50, I will ask you questions. I will ask questions individually. Why? When you are online, you have to make session interactive. Otherwise, when you are online at home, things come and you get distracted. So being a trainer, being a facilitator, you have to make sure that the communication plays an important role. So this is very important, especially in virtual teams. So you get the output, physical resource assignment. Burhan, padhte jaye, please. Documenting the physical resources, material, equipment, supplies, locations, and other physical resources that will be used for the project. Okay. A project team assignment, staff project assigned by special individual to project roles and responsibility, resource calendar. Adnan, please padhe. Resource calendars documents time periods of availability of each member, reflects scheduling conflicts, vacation, and other project commitments, enables building final human resource budget. PMP plan update, documents update, EEF and OPS update. EEF and OPS are very important in this chapter. Review mein humne saare padh chuke hain. It is literally true that you can succeed best and quickest by helping others to succeed. I have seen a line manager becoming MD and now COO of a company. Usi company ka MD or CEO दूसरी कंपनी का, जब उस कंपनी ने उसको निकाल दिया विद इन अ वन मंथ दूसरी कंपनी एंड अर्निंग राइट नाउ इन पाकिस्तान इन कराची 2.4 मिलियन रुपीस पर मंथ. ठीक है, 2.4 मिलियन रुपीस पर मंथ. ही हैज हेल्प्ड इनफ पीपल. उसको जो आता था वो शेयर करता था, सिखाता था लोग. ही इज वन ऑफ माय मेंटोर. मैंने जो जब गया हूं उसने मुझे सिखाया, उसने बताया, उसने मुझे इतनी चीजें बताई हैं. एंड उसने कंपनी के अंदर इतने लोगों को, गरीबों को नौकरियां लगवाया है. ऑल्दो कंपनी में वो जरूरत नहीं होती थी, लेकिन वो गरीब बंदा था तो उसकी हेल्प करता था. अब वो काम करवाता था उनसे. उसका स्टाइल बड़ा हार्श था. वो कैरेट एंड स्टिक वाले मॉडल पे करता था. बड़ा हार्श एटीट्यूड लगता था, लेकिन वो बंदा सबको साथ लेकर चलता था. उसने हार्डली कभी किसी बंदे को जॉब से निकाला होगा. तो मैं ये बिलीव करता हूँ कि अगर आप दूसरों की हेल्प करें तो कारमा वट एवर आपको वापस आती है चीज. ओके, develop team. Adnan, please read. Inputs. Project management, the process of improving competencies, team member interaction, and overall team environment to enhance project performance. Inputs: project management plan, project documents, project team assignments, resource calendars, team charter, EEF, OPF. Tools and techniques: collocation, virtual teams, communication technology, interpersonal and team skills, training, recognition and rewards, individual team assessments, meetings, outputs, team performance assessments, change requests, project management plan updates, project document updates, EEF and OPA updates. अच्छा जी, अब best way क्या है team को develop करने का, उनको इकट्ठा बैठा दें. देखिए, आप तीनों इकट्ठे बैठे होते हैं ना तो आपके रिलेशनशिप और होते हैं, आप असाइनमेंट जल्दी कर रहे होते हैं. ठीक है, दूसरी ऑप्शन है वर्चुअल टीम को देखे कैसे हैं, टेक्नोलॉजी क्या है, स्किल्स कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, उनको ट्रेनिंग कैसे कर सकते हैं, रिकॉग्निशन एंड रिवार्ड्स कैसे कर सकते हैं, असेसमेंट कैसे करते हैं. फिर इससे आपसे क्या आता है, आपस टीम की असेसमेंट आ जाती है. चेंज रिक्वेस्ट ऑब्वियसली होनी ही होनी है, प्लान वगैरह अपडेट हो जाते हैं.
अच्छा जी, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेजेस ऑफ टीम डेवलपमेंट, हैव वी डिस्कस्ड दिस, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, जर्निंग, अदनान, बुरहान, याया, ये बात जी ये हुई थी डिस्कस, ओके नो इशू, बुरहान हां जी हुई थी, जल्दी से रीड करते जाएं, स्टेजेस ऑफ टीम डेवलपमेंट, फॉर्मिंग टीम, acquaints and establishes ground rules, formalities are preserved and members are treated as strangers. Storming, members start to communicate their feelings but still view themselves as individuals. They show hostility. Norming, people start to resolve their differences, appreciate colleagues' strengths and respect the weaknesses. Performing, the team reached the stage when hard work leads without friction to the achievement of the team's goal. Adjourning is the breakup of the group, hopefully when the task is completed successfully or as a part of project closure. Ye hua tha discuss. Okay, just a second, I will discuss this again. Acha ji, isko kehte hain Tuckman model, jo humne bhi padha hai. Ye team effectiveness, performance capability, jab aap kar rahe hote hain, performing kar rahe hote hain, ठीक है, जब आप फॉर्मिंग के स्टेज पे होते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस कंपैरेटिवली बेहतर होती है. जैसे आप स्टॉर्मिंग पे आते हैं, आपकी परफॉर्मेंस डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, परफॉर्मेंस कम होना शुरू हो जाती है. व्हाई? यू आर फाइटिंग. देन आप नॉर्मलाइज करते हैं, परफॉर्मेंस ठीक होना शुरू होती है, परफॉर्मिंग बड़ी अच्छी हो जाती है. यू कैन ऑल्सो पुट इट इन दिस फॉर्म, देन दिस इज द मोस्ट कॉमन पिक्चर यू विल सी इन द मेनी नोट्स, एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं आपके, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं और आपने करना क्या होता है. जी, फॉर्मिंग के अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, आप क्वेश्चन करते हैं, सोशलाइज हो रहे होते हैं. अच्छा जी, मैं जरा इसको बड़ा कर दूं अगर आप इजाजत दें. क्वेश्चन करते हैं, सोशलाइज हो रहे होते हैं, ईगरनेस शो करते हैं, फोकस ऑन द ग्रुप आइडेंटिटी एंड पर्पस, यू स्टिक द सेफ टॉपिक क्योंकि लोग अभी मिल रहे हैं. देन आप इधर प्रोजेक्ट मैनेजर की स्ट्रेटजी होती है कि लीड ले, लोगों को मिलाए, उनके दरमियान आइस ब्रेक कराए, लोगों को एक्सपेक्टेशन बताए, हम क्यों कटे हैं, क्या मसला है, रिस्पांस जल्दी दे. स्टॉर्मिंग, अब जब लोग आ गए, रेजिस्टेंस, अब जब खुल गए थोड़ा थोड़ा तो रेजिस्टेंस आना शुरू हो जाती है, ऐसे नहीं है, ऐसे ही है, पार्टिसिपेशन नहीं होती, कॉन्फ्लिक्ट आते हैं, कॉम्पिटिशन, इमोशंस बड़ी हाई होती है. यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर का काम होता है चीजों को नॉर्मलाइज करे, लीडरशिप को इनकरेज करे, नॉर्मलाइजिंग में चीजें बेहतर होना शुरू हो जाती हैं, एंग्जाइटी कम होती है, लोग डेवलप होते हैं. यहाँ पे लोगों को, क्योंकि इंडिविजुअल और ग्रुप एफर्ट को रिकॉग्नाइज किया जाए, उनको अपॉर्चुनिटीज दे, उनकी एनर्जीज को बेहतर करे, परफॉर्मिंग यहाँ पे उनको डेलीगेट कर दे, काम करने दे. अडजर्निंग में, अडजर्निंग इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट स्टेज, क्यों, लोगों के इमोशंस बहुत हाई होती हैं. यहाँ पे उसने टीम को इकट्ठे लेके चलना है, उनको बताना है क्या चीजें हैं, क्या चीजें नहीं है. अच्छा जी, अच्छा जी, टीम बिल्डिंग बहुत जरूरी है. अच्छा जी, इंप्रूविंग कॉम्पिटेंसी, टीम मेंबर इंटरेक्शंस एंड टीम एनवायरनमेंट टू एनहांस प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस. जी, स्किल्स इंप्रूव करने, चीज़ों को इंप्रूव करना है. हम देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं. जी, को लोकेशन ऑलरेडी बता चुके हैं आप, टेम्परेरी को लोकेट कर दें या परमानेंट कर दें. वर्चुअल टीम्स हम डिस्कस कर चुके हैं. कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टूल्स क्या हैं, पोर्टल्स क्या हैं, कैसे कॉन्फ्रेंस इस्तेमाल कर रहे हैं, ट्रेनिंग्स कर सकते हैं लोगों को इम्प्रूव करने के लिए. इंटरपर्सनल एंड टीम स्किल्स बेहतर करें, उनमें जो कॉन्फ्लिक्ट है उनको खत्म करें, इन्फ्लुएंस करें, आप उनको इन्फ्लुएंसिंग सिखाएं, उनको मोटिवेट करें, इंस्पायर करें, निगोशिएट करें, क्या इश्यूज है क्या नहीं, टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज करें, इमोशनल इंटेलिजेंस को यूज करें. वी विल डिस्कस इमोशनल इंटेलिजेंस टुडे आल्सो. वी विल आल्सो डिस्कस हमारा ब्रेन किस तरह क्या है, होल ब्रेन थ्योरी क्या है. इंक्रीज कोऑपरेशन बाय आइडेंटिफाइंग, असेसिंग एंड कंट्रोलिंग द सेंटीमेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट टीम्स. टीम बिल्डिंग स्किल्स करें, ये फॉर्मिंग स्टॉर्मिंग वगैरह पढ़ चुके हैं हम लोग. रिकॉग्निशन एंड रिवार्ड्स करें, टेंजिबल क्या है, इनटेंजिबल क्या है. वी हैव सीन मोटिवेशनल थ्योरी, कुछ लोग टेंजिबल पैसों से खुश होते हैं, कुछ लोग इनटेंजिबल एप्रिसिएशन से खुश होते हैं. उन मोटिवेशन थ्योरी को इस्तेमाल करें, असेसमेंट करें, कैसे लोग जा रहे हैं, टीम परफॉर्मेंस असेसमेंट. जी बुरहान, रीड करें. टीम परफॉर्मेंस असेसमेंट, टीम डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, टीम बिल्डिंग, कोलोकेशन. Project management team, is it project team effectiveness, team performance assessment criteria. Improved skills leading to effective task executions, improved competencies leading better team performance, reduce staff turnover rate, increase team cohesiveness, share information and teach. This is all about team performance assessment. Then you have peer resource management, plan update, documents update. If everyone is moving forward, then success take care of itself. Any fault? कौन था? Anyone?
Henry Ford. Henry Ford, जिसने Ford company बनाई. Yes, जिसने Ford company बनाई, जिसने गाड़ियों को दुनिया में आम किया. Manage team, the process of tracking team performance, providing feedback, resolving issues, and managing changes to optimize performance. Project management plan, documents, team performance assessment, work performance reports, EF, OPA, interpersonal and team skills, project management information system, output mein change request aati hai, project management plan update, document update, enterprise environmental factors update aa jata hai. Ji, yahan pe sabse most important hai conflict resolution. Ji, Adnan read kare conflict resolution. Conflict resolution. Conflict is natural. Conflict is a team issue. Openness resolves conflict. Conflict resolution should focus on issues, not personalities. Conflict resolution should focus on the present, not the past. There are various strategies that utilize to handle the conflict. A confronting, a collaborating, a compromising, a then smoothing, and then forcing, and then withdrawal. Adnan, please read karte jaye jaldi se. Hum isse dobara bhi dusri angle se bhi dekhenge, please. Conflict resolution techniques. Confronting. Confronts the problem head on, the preferred method. Collaborating. Incorporating multiple viewpoints from differing perspectives, leading to consensus. Compromising. Requires both parties give up something. Decision is a blend of two parties' argument. Lose-lose solution. Used to avoid fight. अच्छा मेरी आप लोगों को आवाज आ रही है सही क्योंकि यहाँ ना हमारी प्रीफेब बॉल्स हैं तो मैं आहिस्ता बोलना पड़ता है नहीं तो फिर सारे कमरों में शोर जाएगा नहीं नहीं आवाज आ रही है नो इशू ये दान आगे रीड करें तीन टेक्निक्स स्मूथिंग बाय मिनिमाइजिंग द साइज ऑफ द प्रॉब्लम टेंपरेरी सॉल्यूशन फोर्सिंग डिसीजन इज मेड विद पावर मे नॉट बी द बेस्ट सॉल्यूशन इमीडिएट सॉल्यूशन विथड्रॉल One party withdraws from the problem with disgust. Yield lose solution. Worst conflict resolution. अच्छा जी आपने देखना है possibilities है win win यानी basically ये graph जो है ना ये बन जाता है अगर मैं graph बनाऊँ वैसे यहाँ पे होगा भी लेकिन if I share this graph okay यहाँ पे भी है okay मैं आपसे ये share कर देता हूँ देखिए जी ये graph बन गया यहाँ पे आजो अच्छा जी क्या ग्राफ बन रहा है कि आप देख रहे हैं रिलेशनशिप हाई रिलेशनशिप लो एजेंडा हाई एजेंडा लो आप इनमें देखते हैं क्या चीज है क्या चीज नहीं है जब रिलेशनशिप भी हाई हो एजेंडा भी हाई हो तो आप कोऑपरेशन करते हैं दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम दिस इज अ विन विन सिचुएशन कोलैबोरेशन कन्फ्रंटिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग इज द बेस्ट सॉल्यूशन डायरेक्टिंग जब आपका जो है रिलेशनशिप लो है आप एजेंडा हाई है अपना फोर्स कर रहे हैं डायरेक्टिंग एंड फोर्सिंग ये है विन लूज अगर मैं इसको विन लूज के मैट्रिक्स में बनाऊं दैट इज विन लूज आप डायरेक्शन कर रहे हैं फिर उसके बाद हार्मोनाइजिंग यहाँ पे क्या रिलेशनशिप को आप इंपॉर्टेंस दे रहे हैं आप अपने एजेंडे को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे अपने आप को छोड़ रहे ठीक है यार यहाँ आप डायरेक्टिंग या फोर्सिंग में क्या था आप जीतने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ आप कहते हैं अच्छा चलो अकोमोडेट कर रहे हैं कोई बात नहीं ठीक है दिस इज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेबल देन अवॉइडिंग लूज लूज सिचुएशन दिस इज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेबल कोलैबोरेटिंग ये सारी आ गई अच्छा जी कोलैबोरेटिंग कॉम्पीटिंग कॉम्प्रोमाइजिंग अवॉइडिंग अकोमोडेटिंग आई होप दिस इज क्लियर टू यू गर्ल्स अच्छा जी अगर मैं इसको फर्दर लेके जाऊँ जो अक्सर एग्जाम पूछ लेते हैं ये मैट्रिक्स की फॉर्म में पार्टी वन और पार्टी टू की फॉर्म में पार्टी वन की बात अगर कर लें पार्टी टू की बात कर लें ठीक है यहाँ पे आपके लिए क्या है दोनों के लिए विन विन है ठीक है विन लूज दिस इज बेसिकली व्हाट इज दिस दिस इज विन विन दिस इज कोलैबोरेटिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग या फोर्स जो आमने सामने देखना है फिर यहाँ पे क्या है लूज विन अगर आप फर्स्ट पर्सन है दिस इज या यू वांट टू से समथिंग नो नो मैंने म्यूट किया था ताकि आप आराम से कर दें ओके ठीक है ये सिचुएशन बनती है दिस इज द बेस्ट सिचुएशन दिस इज द एक्सेप्टेबल सिचुएशन दिस एंड दिस बेसिकली ये आपकी फोर्सिंग है कि आप फोर्स कर रहे हैं मेरी बात मानो यही करना है यहाँ आप अकोमोडेट कर रहे हैं अच्छा ठीक है स्मूथ
यहाँ पे क्या है, दोनों छोड़ रहे हैं प्रॉब्लम को, दोनों भाग रहे हैं. दिस इज द वर्स्ट, दिस इज द बेस्ट. बेस्ट क्लियर है सबको? जी ओके. इसके दूसरे नोट्स में भी देख लेंगे अभी. अमित भाई आप कह रहे हैं अकोमोडेटिंग भी जो है, अकोमोडेटिंग भी अवॉइड करना चाहिए, ऐसे ही है ना? आई एम सेइंग एक्सेप्टेबल है. आई एम सेइंग कि ये जो है ना कोलैबोरेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग और जो आमना सामना है उसको आपने करना है. कोलैबोरेशन, कन्फ्रंटिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसको आपने करना है. ठीक है, क्लियर है? कोलैबोरेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो कॉम्प्रोमाइजिंग है दैट इज नॉट गुड. दोनों अपनी तरफ से छोड़ रहे हैं. अकोमोडेट एक बंदा छोड़ रहा है. अब ये समझिएगा मेरी बात, कोलैबोरेट क्या है, दोनों मान रहे हैं, विन विन सिचुएशन हो रही है. ठीक है, विन 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 हो रही है. कोलैबोरेशन या प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये विन विन हो रही है. कॉम्पीटिंग या फोर्सिंग हो रहा है, विन लूज, आप फोर्स कर रहे हैं. अकोमोडेट क्या है, एक बंदा छोड़ रहा है, यानी कि बेसिकली ये क्वाड्रेंट और ये क्वाड्रेंट दोनों एक ही चीज है, एक बंदा छोड़ रहा है. कॉम्प्रोमाइज क्या है, दोनों बंदे थोड़ा थोड़ा छोड़ रहे हैं, थोड़े थोड़े अपनी जगह से आ रहे हैं. इट इज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेबल. ठीक है, अवॉइडिंग, दोनों ने हार मान ली है, ये वर्स्ट आ गई. नंबर वन ये, नंबर टू ये, नंबर थ्री ये, दोनों और लास्ट ऑप्शन दे. क्लियर है अदनान या बुरहान? नंबर टू कौन सी आ रही है? कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज नंबर टू आएगी. कॉम्प्रोमाइज ये देखे, ये नंबर वन कोलैबोरेट प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसके बाद कॉम्प्रोमाइज, फिर भी चलो थोड़ा थोड़ा दोनों कर रहे हैं. इसमें एक बंदा जीत रहा है, इसमें भी एक बंदा जीत रहा है. इट्स नॉट दिस अवॉइडिंग, दोनों हार रहे हैं. तो ये बिल्कुल भी नहीं. अच्छा जी जी प्लीज अदनान पढ़ते हैं. मैनेज प्रोजेक्ट टीम, ट्रैकिंग टीम मेंबर परफॉर्मेंस, प्रोवाइडिंग फीडबैक, रिजॉल्विंग इश्यूज एंड मैनेजिंग टीम चेंजेस टू ऑप्टिमाइज प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस. Manage project team, tracking performance, providing feedback, resolving issues, team changes. Team behavior, manages conflict, resolves issues, appraises performance. Optimize project performance. It influences team behavior, manage conflict, resolves issues, and appraises team member performance. Okay, ITTOs में हम देख लेते हैं. आप interpersonal skills, conflict management, decision making, emotional intelligence, influencing, leadership, conflict management. जी, सोर्सेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या होते हैं? रिसोर्स, रिसोर्स इज वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्फ्लिक्ट, स्केयर्ड रिसोर्स. फिर उसके बाद स्केड्यूलिंग प्रायोरिटीज. आपसे पीएमपी में पूछा जा सकता है व्हिच इज द नंबर वन सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, द आंसर इज रिसोर्स. व्हिच इज द नंबर टू स्केड्यूलिंग. उसके बाद फिर अगली चीजें आती हैं. हाउ टू रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट, ग्राउंड रूल्स रखें, ग्रुप के नॉर्म्स बनाए, कम्युनिकेशन करें, रोल डिफाइन करें. ये मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा था, कोलैबोरेटिंग, विन विन, ये विन लूज, लूज विन, लूज लूज, कॉम्प्रोमाइजिंग दरमियान में आ जाती है. चेंज रिक्वेस्ट, प्लान अपडेट हो जाएंगे. एंड वन ऑफ माय फेवरेट कोटेशन, अदनान प्लीज रीड. द पीपल हु आर क्रेजी एनफ टू थिंक दे कैन चेंज द वर्ल्ड आर द वंस हु एक्चुअली आर द वंस हु डू, हु एक्चुअली डू नहीं था आपने जब लास्ट टाइम चला भाई, तो जहां से उठाई है वहां उसमें ये लिखा होगा यार. कौन सी वेरी कोटेशन है? मैंने तो तस्वीर उठाई है पहले भी आपने ये दिखाई होगी. लेट्स चेक स्टीव जॉब की कोटेशन. द पीपल हु आर क्रेजी इनफ टू थिंक दे कैन चेंज द वर्ल्ड आर द वंस हु डू. The one who are crazy enough to think they can change. Who do? ठीक हो गया? Who do? ठीक है. जी. And alhamdulillah, this completes our execution process group. Any question in execution? ये वाला topic मजेदार था क्योंकि आजकल मैं और याया इन्हीं चीजों से deal कर रहे हैं. Sir. अभी storming stage में हैं अभी. This is one of the reason. मैंने ओके ओके ओके
दिस वॉज वन ऑफ द रीजन के मैंने ये टॉपिक आखिर में पढ़ा है. अच्छा जी, अब आपके ब्रेन के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं हम. इमोशनल इंटेलिजेंस थोड़ी समझ लें. ये है द होल ब्रेन मॉडल बेसिकली ना. ये क्या कहता है कि आपका ब्रेन बेसिकली चार हिस्सों में है, ए बी सी डी. अब जरूरी नहीं है कि बंदा एक ही ब्रेन में है. कुछ लोग एक मॉडल की तरफ ज्यादा होते हैं और इट्स गुड टू नो किस ब्रेन की तरफ है. जिन लोगों का अपर लेफ्ट ज्यादा होता है वो थिंकिंग प्रोसेस ज्यादा करते हैं, लेफ्ट मोड होते हैं, वो लॉजिकल होते हैं, एनालिटिकल बेस पढ़ते हैं, फैक्ट बेस होते हैं. हमें फैक्ट बताओ, फैक्ट्स बताओ. अगर जो बंदा इस तरह का होगा वो जो है मोड इसमें ब्लू ब्लू रीजन उसका होगा. जो लोग ग्रीन रीजन में होंगे वो कहते हैं वो बड़े ऑर्गेनाइज लोग हैं, बड़े सीक्वेंसी प्लान डिटेल चलते हैं. आई एम नॉट इन द ग्रीन, आई एम नॉट इन द ग्रीन एट ऑल. आपने देखा होगा मैं ऐसे घूमता हूँ, जो मेरा दिल करता है मैं टॉपिक पढ़ा लेता हूँ. देखा है कि नहीं देखा? सही है. एक ट्रेनिंग और दूसरी ट्रेनिंग अगर आप मेरी देखें, कोई एक ट्रेनिंग मेरी सेम नहीं होती. मैं बिल्कुल इसको ऑर्गेनाइज सीक्वेंस नहीं लेके जाता, ठीक है. आई ऑल्दो आई प्लान थिंग, लेकिन मैं ये लेके जाता मैं कौन से मॉडल में, मैं वो दिखाता हूँ. कुछ लोग होते हैं जो इंटरपर्सनल स्किल्स में बहुत अच्छे होते हैं, वो फीलिंग बेस्ड होते हैं, किनेस्थेटिक इमोशनल बड़े होते हैं. आई एम इन द रेड जोन, ठीक है ना. मैं राइट लेफ्ट लोअर राइट में बहुत ज्यादा हूँ, मैं बहुत ज्यादा इमोशनल, ठीक है. फिर मैं येलो रीजन में बहुत ज्यादा हूँ, मैं बिगर पिक्चर देखता हूँ, ठीक है ना. होलिस्टिक इनिशिएटिव इंटीग्रेटिंग, मैं चीजों को कंबाइन कर रहा होता हूँ यार. इसलिए मैं डिटेल में नहीं जाता, मैं देखता हूँ यार ये चीज मैं कर दूँ, ये कर लूँ, मैं इसे कंबाइन कैसे करूँ. अगर आप ये देखें ना, मैंने पीएमपी के कितने इस वक्त चीजें खोली हुई है, आपको ये शो हो रहा है? ये देखें, ये बुक्स देखें, मैं अमेजोन से देख रहा हूँ मैं और क्या क्या कर सकता हूँ, खरीद सकता हूँ, ठीक है. सिर्फ पीएमपी के रिलेटेड कैसे इसको फर्दर बेहतर लेके जाऊं. ये पूरी बार्स में मेरी मास्टर क्लास है, उसके लिए संडे को ये स्क्राइब की मेंबरशिप है, क्या कर सकता हूँ, सारा हर चीज को कंबाइन कर रहा हूँ. फिर ये यूट्यूब पे पढ़ रहा हूँ, दूसरे लोग क्या कहते हैं उनको पढ़ रहा हूँ, ठीक है. क्लियर है जी. देखे फिर मास्टरिंग पीएमपी आईटी पे बाकी लोग क्या कहते हैं उनकी डिटेल्स ले रहा हूँ. Why? I'm combining each and everything. I know myself, self-awareness is very important. ठीक है, आप अपने आप को करें और मुझे करके पर्सनली बताइएगा कि आप किस एंगल पे होते हैं. आपका मॉडल कुछ इस तरह का बनेगा कि कोई बंदा ब्लू में ज्यादा है, कुछ ज्यादा है, इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है. ये किसी का मॉडल है, मैंने उठा के कॉपी किया, मेरा नहीं है. क्लियर हो गई है बात? इसे कहते हैं होल ब्रेन थ्योरी, होल ब्रेन मॉडल. ये बेसिकली जो है ना हरमन ग्लोबल ने बनाया हुआ है, अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नो अबाउट योरसेल्फ, ठीक है. अच्छा जी, इमोशनल इंटेलिजेंस पे बात करते हैं. इमोशनल, आमिर भाई, मतलब मेरा क्वेश्चन ये था कि ब्रेन थ्योरी तो हमने पढ़ी है, लेकिन इससे रिलेटेड हम कोई डिसीजन भी ले सकते हैं, इसको मतलब किसी फायदे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं. जब आपको पता है कि आप हाई लेवल पिक्चर देखते हैं और आपने काम करना जो डिटेल ओरिएंटेड होता है. फॉर एग्जांपल, मैं ग्रामर बड़ी इग्नोर करता हूँ, बहुत ज्यादा इग्नोर करता हूँ. मैं लिख रहा होता हूँ, मेरा काम होता है कि मैं चीज को खत्म करूँ. मैं बिगर पिक्चर देख रहा होता हूँ कि मैंने ये चीज खत्म करनी है, मैंने चीज ये बतानी है. मैं नहीं देख रहा होता लाइक फॉर, मैं ये नहीं देखता मेरे यूट्यूब पे सब्सक्राइबर कितने हैं, मैं ये नहीं देखता लोग कितने मेरे वीडियोस देख रहे हैं, मैं नहीं देखता कि लोग, मैं बिगर पिक्चर देख रहा होता हूँ कि मैंने वैल्यू एड करनी. अब मैं एक चीज कर रहा हूँ कि उसमें ग्रामर बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो मैं एक पोस्ट लिख रहा हूँ. अब मैंने वो बंदा देखना है, मैंने वो बंदा वो बंदी देखनी है जो डिटेल ओरिएंटेड हो. मैं अदनान को भेजूंगा, अदनान इज वेरी डिटेल ओरिएंटेड, जो कि मैंने देखा है. अदनान, मैं गलत तो नहीं कह रहा? कुछ हद तक, बहुत ज्यादा. क्योंकि अदनान स्पेलिंग्स देख रहा होता है. आपने स्पेलिंग गलत लिखे हैं, आपने ये स्पेलिंग गलत लिखे हैं, आपने वाली नहीं लिखा अभी जॉब से. कोर्ट में भी इन्होंने निकाला था कि अभी ओनली नहीं. यस यस, अभी की एग्जांपल. अब मैंने काम देना होगा विच इज वेरी डिटेल ओरिएंटेड, जो बहुत सेंसिटिव होगा. मैं खुद नहीं करूंगा, मैं अदनान को भेजूंगा, ठीक है. एंड दिस इज ऑल अबाउट कि आप अपने आप को जाने, ठीक है, अपने ब्रेन का पता होगा. अब मैंने कोई ऐसा काम भेजना होगा जिसमें लड़ाई हो सकती है, जिसमें इमोशन हो सकती है, मैं यूसुफ को नहीं भेजूंगा, ठीक है. ही इज वेरी अग्रेसिव, अग्रेसिव इमोशन. दिस इज, अगर आपको पता होगा, ठीक है, आप वो चीजें करेंगे, ठीक है. अब मैंने को एक्सपेरिमेंट करना होगा, जहां बिगर पिक्चर देखना होगा, जहां रिस्क लेना होगा, मैं खुद जाऊंगा.
जिसमें क्यूरियसिटी होगी, क्वेश्चन पूछना होगा, मैं सवाल पूछ पूछ के मत मार दूंगा बंदे की ना, आई एम सो मच क्यूरियस, जहां पे रूल्स को फॉलो नहीं करते, जहां पे अपनी मर्जी कर सकते हैं, ठीक है, जहां पे ऑर्गेनाइज होने की खास जरूरत नहीं होगी, ठीक है, इस तरह आपको बड़ा फायदा होता है अपना आप पता होने का और दूसरे का पता होने का। आई वुड सजेस्ट प्ले विद दिस, डोंट टेक सो मच टेंशन अदनान, या बुरहान प्ले विद दिस, लोगों को इस मॉडल पे लेकर आए, वो देखे उनके बारे में क्या है, वो किस तरह करते हैं, वो क्या है, एंड दिस इज ऑल व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस, सेल्फ अवेयरनेस, अपने आप को जाने, सोशल स्किल्स, दूसरों को जाने। अब अपने आप को पता होने का फायदा क्या होगा, अपने आप को इम्प्रूव करें, जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं सिर्फ उस पर काम करें, बाहर में वीकनेस पे काम ना करें। इफ यू गुड एट समथिंग, कोई चीज आपकी स्ट्रेंथ है, इफ यू वर्क ऑन इट यू विल बिकम वर्ल्ड क्लास, इफ यू आर गुड एट समथिंग दैट इज योर स्ट्रेंथ यू विल बिकम वर्ल्ड क्लास इफ यू वर्क ऑन इट पीरियड। If you are bad at something, if that is your weakness, if you will work on it, you will become okay or not okay. So work on your strength, जो आपको पसंद है, जो आपकी strength है, उस पे काम करें, बाकी सारे delegate कर दें, do it, delegate it. इतने लोग हैं, उनसे काम करवाएं मोबाइला, जो उसकी strength है. अब organize करना मेरी strength नहीं है, मैं वो उस मुझे पसंद नहीं है, मैं किसी और को देता हूँ कि वो organize करे, ठीक है? मेरी strength क्या है? मुझे training देना बहुत पसंद है। मैं सुबह 8 बजे से लेकर रात 11 बजे तक ट्रेनिंग देता हूँ और रात 11 बजे मैं फ्रेश होता हूँ। जिस दिन ट्रेनिंग ना हो, जिस दिन मैंने बुक ना पढ़ी हो, बुक्स पढ़ना मुझे पसंद है, मेरी स्ट्रेंथ है, मुझे पता है अपना, मैं वो करूंगा, मैं बेहतर फील करूंगा। वीडियोस बनाना हो, ट्रेनिंग से वीडियो एक ही बात है, मुझे अच्छा लगता है, जिस दिन मैं वो ना करूँ आई फील लो। तो इफ आई प्ले ऑन माई स्ट्रेंथ, मुझे सेल्फ अवेयरनेस पता है, आई कैन प्ले ऑन। अब दूसरों का पता होगा, इमोशनल इंटेलिजेंस इज नोइंग योरसेल्फ, इंट्रापर्सनल स्किल्स एंड इंटरपर्सनल स्किल्स। मुझे दूसरों का पता होगा, मैं अपने स्किल्स इंप्रूव कर सकता हूँ, फिर मैं दूसरों को मोटिवेट कर सकता हूँ, एंड देन आई कैन थिंक अबाउट एम्पैथी के लोग कहाँ से सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। दिस इज इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्फ इमोशनल स्किल्स, अपना पता होना, अपनी नॉलेज होना, इंट्रापर्सनल स्किल्स कहते हैं, अपना पोटेंशियल डेवलप करना, फिर सोशल स्किल्स होना, इनको कंबाइन करके आप एक्सीलेंस ले सकते हैं, ठीक है? एम्पैथी, इन सारी चीजों का इस्तेमाल करते हुए। एनी क्वेश्चन सो फार? नो। ओके, दिस कंप्लीट्स एग्जीक्यूशन, देन आई थिंक हम 1 से 2 मिनट की ब्रेक लेते हैं, देन आई विल कंटिन्यू विद द कंट्रोलिंग प्रोसेस ऑफ रिसोर्स। रिसोर्स को कंटिन्यू करते हैं। अब हम इस तरह करेंगे, हम वन बाय वन जो दिल किया वो पढ़ते जाएंगे, आखिर में इंटीग्रेशन का पढ़ेंगे, आखिर में, जिस तरह हमने इसका आखिर में पढ़ा ना, आखिर में इंटीग्रेशन का मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल पढ़ेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन का मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल जो प्रोसेस है वो सारे मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल को कंबाइन करता है, सो इट मेक्स सेंस कि उसको आखिर में पढ़ा जाए, ठीक है? अदनान या बुरहान, आप सिगरेट वगैरह पी लें, लेट्स हैव अ 2 मिनट्स ब्रेक। ओके, स्टार्टिंग जी, कंट्रोल रिसोर्स जी, अदनान पढ़े प्लीज। कंट्रोल रिसोर्स, the process of ensuring that physical resources are available as planned, as well as monitoring the planned versus actual use of resources, inputs, project management plan, project documents, work performance data, agreements, OPA, tools and techniques, data analysis, problem solving, interpersonal and team skills, project management information system, outputs, work performance information, change requests, project management plan updates, project documents updates. Acha ji, now we are in the last section of execution, last section of resource knowledge area, controlling, ensuring that the physical resource allocated to projects are available as planned. In the complete monitoring and control process, what are you doing? You are comparing what was planned is being done in execution or not. If it is not being done according to execution, you modify, you change it according to the requirement. Ensure resource assignment, allocation, monitoring, planned versus actual. This is the complete monitoring and control, planned versus actual, comparing and forecasting. The key benefit is to ensure resources are available at right time and release when no longer needed. When they are no longer needed, release them. Okay, now there is a important thing that you need to understand in all monitoring and control process, all jo sare ke sare 10-11 isme aayenge, जो कंट्रोल और मॉनिटर के होंगे, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान, डॉक्यूमेंट्स, वर्क परफॉर्मेंस डाटा,
एंड ऑर्गेनाइजेशन एसेट्स, ये चार चीजें इनपुट में आएंगी. वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन, चेंज रिक्वेस्ट, पीएमपी प्लान, डॉक्यूमेंट्स, ये आउटपुट में आएंगी. ठीक है, ये इनपुट और आउटपुट इसकी पक्की रहती है. कुछ इनपुट्स फर्दर आएंगी, कुछ आउटपुट्स फर्दर आएंगी, लेकिन ये पक्की रहेंगी. दिस इज अ गुड टेक्निक टू अंडरस्टैंड डेटा एनालिसिस, इंटरपर्सनल, टीम स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग, पीएमआईएस. जी, इनपुट्स एग्रीमेंट्स भी आ जाएंगी हमारे साथ, ऑल्टरनेटिव कॉस्ट, परफॉर्मेंस रिव्यूज, ट्रेंड एनालिसिस, निगोशिएशन, इन्फ्लुएंसिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग. अदनान रीड करते हैं प्लीज. Tools and techniques, problem solving. Problem from inside the organization, machine or infrastructure used by another department is not released in time. Materials are damaged because of unsuitable conditions. Problem from outside the organization, supplier has gone bankrupt, bad weather, damaged resources. Steps to deal with the problem: identify, define, investigate, analyze, solve, and check. This is a tool or a framework that you can utilize for any problem solving. Identify the problem, define the problem, investigate the problem, analyze it, see what are the options, solve it, and check. All the framework basically follow the same framework which we studied in quality, the deeming cycle: plan, do, check, act. Okay, output you get work performance information, change request, PMP updates, project documents, PNP plan updates, assumption log, and that's it. About control resources, any question that you have about control resources? Anyone, any question? No. Yahya, Burhan, no question? No. Okay, sometime you control in monitoring and control process. 112 page number tha wo jo aapka, ye dekhe. We are now in monitoring and control. आप स्कोप को कंट्रोल करते हैं, स्केड्यूल को कंट्रोल करते हैं, कॉस्ट, क्वालिटी एंड रिसोर्स को कंट्रोल करते हैं, कम्युनिकेशन को मॉनिटर करते हैं, रिस्क को मॉनिटर करते हैं, प्रोक्योरमेंट को कंट्रोल करते हैं, स्टेक होल्डर को मॉनिटर करते हैं. दैट्स व्हाई मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल. ठीक हो गया. नाउ वी विल स्टडी कम्युनिकेशन. ओके जो बंदा जो बात कर रहा है, यू कैन नॉट कंट्रोल द कम्युनिकेशन. यू कैन ओनली कंट्रोल मॉनिटर द कम्युनिकेशन एंड यू मेक श्योर दैट स्टेक होल्डर्स आर एंगेज्ड. यू कैन नॉट कंट्रोल द कम्युनिकेशन. बताएं मुझे कैसे कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान जो बनाते हैं, बेसिकली वो कंट्रोल के लिए तो नहीं बना रहे होते कि हम मॉनिटर के चैनल्स को मॉनिटर एंड मॉनिटरिंग के लिए बना रहे होते हैं. मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल बोथ थिंग्स. लेकिन फिर हम देखते हैं आफ्टर एग्जीक्यूशन. देखिए, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स इन कम्युनिकेशन. नो वन कैन कंट्रोल कम्युनिकेशन, नॉट इवन डिक्टेटरशिप. अगर आप देखते हैं जब डिक्टेटरशिप में भी कम्युनिकेशन, दो बंदे आपस में क्या बात कर रहे हैं, दे मॉनिटर द कम्युनिकेशन, दे ट्राई टू इन्फ्लुएंस ऑन द फैक्टर्स, बट इट इज वेरी हार्ड. ठीक है, मैंने पहले भी ये क्वेश्चन एक बंदे से पूछा था, मैं आपसे भी अमर भी पूछता हूँ कि माइक्रो मैनेजमेंट को का क्या सलूशन है, कोई होता है या नहीं होता? मुझे उस बंदे ने कहा था माइक्रो मैनेजमेंट टोटली पर्सनल चीज होती है और इसका कोई सलूशन नहीं है. माइक्रो मैनेजमेंट बंदे की इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन ही मतलब नहीं. मुझे अपना क्वेश्चन थोड़ा सा एलैबोरेट करेंगे, लेट मी पॉज द वीडियो, फिर आप इसको क्वेश्चन को जरा फर्दर एलैबोरेट. सेम टाइप ऑफ इनपुट, सेम टाइप ऑफ आउटपुट्स, ओनली टूल्स एंड टेक्निक्स आर चेंजिंग. ठीक हो गया. सो वी आर इन मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल. जी अदनान प्लीज रीड मॉनिटर कम्युनिकेशन. मॉनिटर कम्युनिकेशंस, प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग कम्युनिकेशंस थ्रू आउट द एंटायर प्रोजेक्ट life cycle to ensure the information needs of the project stakeholders are met. The key benefit of the... Okay, please read. Monitoring and controlling communications, project life cycle, optimal information flow or stakeholders ko jata. The key benefit of this process is that it ensures an optimal information flow among all communication participants. Okay. ITTOs, we already know inputs, all inputs. Tools and technique, we already know. Project management information system, we already know. This chart,
observations, conversations, these are very important, work in performance information, documents, change request, and review. Wise men talk, very important line. Wise men talk because they have something to say. Wise men talk because they have something to say. Fools because they have to say something. थोड़ा सा ग्रामर का फर्क है. Wise men talk because they have something to say. Fools because they have to say something. So, Yaya, every time you don't have to answer. ठीक है. So this completes our communication topic, communication knowledge area. Now in communication, very important is active listening. When someone is talking, look into your eyes, see their body language. We have studied emotional intelligence. Check their emotional intelligence level. If someone is angry, it's not important that they are yelling at you. Maybe something happened to them, something you don't know. So don't give them that feedback. Know yourself, know your pinpoints. अपने आप को जाने के आपको गुस्सा किन बातों से आता है और make sure कि आप लोगों को अपनी power ना दें. ठीक है ना. अभी मैं movie देख रहा था थोड़ी देर पहले, बल्कि 15-20 मिनट की movie देखी है, Jolly LLB 2 something like that. देखी हुई है? थोड़ी बहुत देखी हुई. हाँ, उसमें अक्षय कुमार था. अक्षय कुमार वो कोई बात करता था ना उसके बाप की, वो कि वो मुंशी था, वो खुद वकील था, बड़ी जल्दी गुस्से में रहता था, तो लोग उसको एक्सप्लॉइट करते थे, बार बार कहते थे डोंट गिव योर पावर टू अदर एंड देन यूज एक्टिव लिसनिंग. जब कोई बंदा बात कर रहा है, लेट हिम कंप्लीट, उसको बात करने दे, उसके 3 सेकंड बाद बोले, बात हो सकता है वो कुछ और कहना चाहता है, एंड फोकस कि उसकी लास्ट लाइन क्या है, लास्ट वर्ड क्या है. आपका फोकस बढ़ेगा, आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ेगी. एंड रिमेम्बर, लिसनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल दैट इफ यू एक्वायर, एंड दैट इज अ स्किल, यू कैन लर्न इट इफ यू वर्क ऑन इट. अगर आप दूसरों को सुनेंगे, लिसनिंग इज बेसिकली दूसरे इंसान को एग्जिस्टेंस में लेके आना. देर इज अ मिथ, देर इज अ क्वेश्चन, a philosophical question. Agar ek drakht jungle mein gira, if a tree fell down in a tree and there is no one to listen it, did it really make a sound? Usne awaaz produce ki thi? Adnan, Yahya, Burhan, kya usne produce kiya tha? Main suni nahi. Agar ek drakht usne produce ki thi, lekin suni nahi na, to usne produce hi nahi ki thi. Theek hai. Ab this is a philosophical question ki wo thi ya ke nahi tha. ठीक है ना. व्हाट डू यू थिंक अबाउट, मतलब जिस, मतलब उस आवाज का फायदा ही नहीं जो सुनी ना जाए. आपने अपनी आवाज इतनी बुलंद रखनी है, इतनी पावरफुल रखनी है कि उसको उसको सुना जाए, उस पे एक्ट. भाई आपने दूसरों को इतना सुनना है, दूसरों को इस तरह सुनना है कि उनको ये पावर मिले. ठीक है, मैं लिसनिंग की बात कर रहा हूँ, उनको एग्जिस्टेंस में लेके आना. क्लियर है बात के नहीं समझ में आ रही? ये ठीक है, जी क्लियर है. मोस्ट पीपल डू नॉट लिसन विद द इंटेंट टू अंडरस्टैंड, दे लिसन विद द इंटेंट टू रिप्लाई. दिस इज विद ऑलमोस्ट एनीवन, ऑलमोस्ट विद एवरीवन. ठीक है, इफ यू कैन एक्वायर दिस स्किल ठीक है, यू कैन बिकम लेजेंडरी, यू कैन बिकम एनीवन दैट इज अबव नॉर्मल पर्सन. Anybody can listen to your problems. A friend will give you advice to try to make you feel better. A best friend will tell you the truth, the good, the bad, or the ugly. And this is the most important thing. Okay, acha ji. Then let's see the monitor and control risk. All I ask is that today you do the best work of your entire life. And if you do it for your entire life, the rest is history. मॉनिटर रिस्क, द प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग, जो आपने एग्जीक्यूशन में रिस्क रिस्पॉन्स बनाया था, जो प्लान में रिस्क रिस्पॉन्स प्लान बनाया था, एग्जीक्यूट में उसको एग्जीक्यूट किया, अब आप मॉनिटर कर रहे हैं, आप उसको चेक कर रहे हैं कि वो कितना इम्प्लीमेंटेड है कि नहीं है. ठीक है, टू आईटीटीओस प्लीज. या
monitor risk inputs, project management plan, risk register, work performance data, work performance reports, tools and techniques, risk reassessment, risk audits, variance and trend analysis, technical performance measurement, reserve analysis, meetings, outputs, work performance information, change requests, project management plan updates, project documents update, organizational process assess updates. अच्छा जी जी यही है please read. Monitor risk, tracking identified risk, monitoring residual risk, identifying new risk and evaluating risk process effectiveness throughout the project. Monitor risk में आता है tracking identified risk, monitoring residual risk, identifying new risk, evaluating risk process effectiveness. It improves efficiency of risk approach and optimizes risk responses. Please read further. Perform variance and trend analysis using performance information. Determine if project assumptions are still valid, if assessed risks have changed or can be retired, if risk management plan is followed, alignment of contingency reserves, choose alternative strategies like workarounds, execute contingency or fallback plan, update PMP, OPA, lesson learned. This process is not about managing or responding to risk, so do nothing about the risk. Okay. Oh, this process does not have OPS. So remember this. This process does not have OPS. Risk management plan, work performance data. Iski output mein aa rahi hai na. Okay. Work performance report. Work performance report are produced in monitoring and control project. अब देखें आप यहाँ पे देखें हर जगह वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो रही है हर जगह ये जाती है वापस कंप्लीट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल प्रोजेक्ट वर्क पे जहाँ प्रोजेक्ट मैनेजर बैठा हुआ है वो इसको कन्वर्ट करता है रिपोर्ट में अब ये रिपोर्ट दोबारा आई है मॉनिटर रिस्क में टू सी द स्टेटस ऑफ द रिस्क जी प्लीज रीड करते जाइए कंटिन्यू मॉनिटर रिस्क इनपुट्स रिस्क मैनेजमेंट प्लान ओवरऑल रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच हाउ टू कंट्रोल द रिस्क Work performance data, WPD from execution, direct and manage project work impacted by risk. For example, deliverable status, schedule progress, and cost incurred. Work performance reports, reports from monitor and control project work contains variance analysis and value data and forecasted data. Useful in controlling risk related to project performance. Okay, data analysis. You check, basically in data analysis, you check actual actual versus target performance. You check reserve analysis. How much reserves are placed or not placed? G. Adnan, please read. करते हैं. Tools and techniques. Technical performance measurement. Compare technical accomplishments of project milestones to technical milestones as per the project plan. Trend analysis using Gantt charts. Requires defined objectives and quantifiable technical performance measurements, for example, transaction time, storage capacity, number of defects. If deviations are identified, they are documented and risk management team could suggest corrective actions. Design, build and test, prototype demo to client. Okay, technical milestone, found many defects, impact project milestone. Okay, reserve analysis, please continue. Reserve analysis. Compares the amount of contingency reserves remaining to the amount of risk remaining at any time in the project in order to determine if the remaining reserve is adequate. Actual use reserve, plan reserve. If risks do not occur, then the contingency reserves which were meant to pay for can go back into the pool of reserves. Okay. So, project ke baad jo hai management reserve bhi pool mein hi chala jata wapas. Obviously. Obviously, ठीक है. If the risk do not occur, then the contingency reserve, which were meant to pay for those risks, can go back to the pool of reserves. ठीक हो गया. आगे बढ़ेंगे, please. Risk audits. Risk audits verify effectiveness of the risk management process. Risk audit meetings be held separately from the risk review meetings. Risk review meeting is held to review effectiveness of risk responses. The format for the risk audit will be defined in the risk management plan. Okay.
मीटिंग्स होती हैं, फिर डिस्कस करते हैं इफेक्टिवनेस, आउटपुट, वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन, चेंज रिक्वेस्ट, पीएमपी प्लान, डॉक्यूमेंट्स अपडेट, ओपीए अपडेट. अच्छा जी, वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन क्या होता है? प्रोवाइड मैकेनिज्म टू कम्युनिकेट एंड सपोर्ट डिसीजन मेकिंग. ये जाती है रिपोर्ट्स में और उनको हेल्प करती है. चेंज रिक्वेस्ट आती है इंप्लीमेंटिंग कॉन्टीजेंसी प्लान और वर्क अराउंड, समटाइम रिजल्ट इन चेंज रिक्वेस्ट, रिकमेंडेड करेक्टिव एक्शंस और रिकमेंडेड प्रिवेंटिव एक्शंस. ओपीएस अपडेट हो जाते हैं जी. एंड दैट्स इट अबाउट रिस्क. इनोवेशन इज नॉट अबाउट सेइंग यस टू एवरीथिंग, इट्स अबाउट सेइंग टू नो टू ऑल बट द मोस्ट क्रूशियल फीचर्स. जी, एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क इन रिस्क प्लीज आस्क नाउ. नो बुरहान, आर यू विद अस? यस यस. आई थिंक यू लेफ्ट अस अलोंग द वे. नहीं, मैं वो मोबाइल से हुआ था कनेक्ट. ओके, मैंने मोबाइल वाला. ओके, नाउ वी आर इन द कंट्रोल प्रोक्योरमेंट. व्हाट यू आर डूइंग, PM is responsible for managing contract changes, monitoring and communicate variance, documenting contract performance, managing relationship with seller. Ji, Burhan, read karte hain. Process of managing anti-clockwise kar diye. Ah. Process of managing. Okay. Process of managing procurement relationships, monitoring contract performance, and making changes and corrections to contracts as appropriate and closing the contract. Monitoring contract performance, making changes and corrections to contract, managing procurement relationship. It ensures both sellers and buyers' performance meets procurement requirements according to agreement. Buyer hai, seller hai, unka dekh rahe hote hain structure. Ji, aage padhte hain please. Administrative activities include collection of data and managing project records, refinement of procurement plans and schedules, setup for gathering, analyzing. Procurement related project data and preparation of reports, monitoring of the procurement environment, payment of invoices. Buyer's obligation. Buyer's obligation. Buyers ensure that they follow through on their own obligations. Quality will suffer if obligations are not met. Schedule cost will impact if obligations are not met. Processes will ensure adherence to contract agreements. Okay. Buyer focus. आप दूसरे मोबाइल से क्यों एंटर हो रहे हो मीटिंग में? मेरे बीच में ना इधर इसके ऊपर नेट बार-बार ओके 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 रीड. मैं इससे मोबाइल कनेक्ट किया कि अगर वो सही आ जाए नेट तो फिर ओके. स्केड्यूल टाइम मैनेजमेंट इंश्योर सेलर्स मीट एग्रीड माइलस्टोन्स. बजट कॉस्ट मैनेजमेंट इंश्योर प्रोजेक्ट कॉस्ट इज विद इन द बजट. वेरिफिकेशन क्वालिटी मैनेजमेंट continually verify seller delivers good quality. Risk mitigation, risk management, contract risk has to be mitigated. Okay. ITTOs inputs सारी आती हैं, plans, document, agreements आए, procurement documentation, approved change request. अगर कोई changes आए हैं वो implemented. Data E है, OP है. Project management plan में requirement management plan. रिस्क, प्रोक्योरमेंट चेंज, स्केड्यूल बेसलाइन, ये सारा कुछ इसके अंदर आता है. प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट्स आते हैं जी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्रोक्योरमेंट का कंट्रोल जो है ना, सारे इंपॉर्टेंट है बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अप्रूव चेंज रिक्वेस्ट, एग्रीमेंट, ई एफ, ओ पी ए, एक्सपर्ट जजमेंट आते हैं, वो एक्सपर्ट लीगल एक्सपर्ट आते हैं, फाइनेंसिंग इंजीनियरिंग के क्लेम्स के एक्सपर्ट आते हैं. डेटा एनालिसिस, परफॉर्मेंस रिव्यू, ट्रेंड्स एनालिसिस होता है. परफॉर्मेंस रिव्यू किया जाता है कि कैसा काम किया, सो दैट आगे हम इसको इस्तेमाल करें कि नहीं, हम स्केड्यूल के अहेड हैं, बिहाइंड हैं, ओवर है, बजट कहाँ पे है. अर्नड वैल्यू एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस, इंस्पेक्शंस होती हैं, ऑडिट्स किया जाते हैं. कुरान रीड करते हैं. स्ट्रक्चर्ड इंडिपेंडेंट प्रोसेस यूज्ड टू डिटरमिन इफ प्रोजेक्ट एक्टिविटीज कंप्लाई विद ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोजेक्ट पॉलिसीज, प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स. Usually conducted by external team, for example, internal audit department, PMO or auditor external to organization. Audit rights and obligations should be documented in procurement contract. Audit observations should be communicated to both sellers and buyers for PMs for adjustment to problem. आगे बढ़े. Audit objectives may be identify non-conformity gaps and shortcomings, identify good and best practices implemented, sharing good practices, proactive assistance to improve process implementation, contribution to lesson learned. Continue.
process of processing, the process of processing, adjudicating and communicating contract claims, claim or contested changes are those requested changes where the buyer and seller cannot reach an agreement. On compensation of change, can't agree the change is happened. Claims. Been provided on time and meet technical and quality requirements. Project management team should approve those deliverables. No outstanding claims or invoices and all final payments should have been done. Okay. This closed procurement ko example dete hain mujhe. Kya matlab hota hai iska? Ye jis tarah hamari jo कोई भी प्रोजेक्ट होता है फॉर एग्जांपल इंस्टॉलेशन का तो उसके बाद आपने उसकी जो पेमेंट करनी है उसके लिए हमारे कुछ फॉर्मेट्स होते हैं जो कि जिस तरह ये लिखा हुआ है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम शुड अप्रूव दोज डिलीवरेबल्स जब आपको उनका रिजल्ट मिल जाता है आप उसके बाद उसके अगेंस्ट रिपोर्ट जमा कराते हैं वो साइन होती है तो उसके बाद जो आपकी इनवॉइसेस वगैरह रिलीज होती है Procurement documents updates. Following procedure, documents may be updated. Contract with supporting schedule. Requested unapproved contract changes. Seller developed technical documentation. WPI deliverables. Seller performance reports, warranties, financial documents, invoices and payment records, results of inspections. Okay. WPI aa jata hai. Yaya, please read karein. Performance data collected from various controlling processes and analyzed in contractual context. Information on how seller is performing against SOW. Comparing deliverable received, technical performance achieved, cost incurred and accepted. Okay. Change request. A formal proposal to modify any document, deliverable or baseline. Process through integrated change control, requested but unresolved changes which are documented leads to disputes. Change requests going through disputes are not implemented. PMP plans update ho jate hain, risk management, ye sare plans update hote hain, documents update ho jate hain, OP update ho jate hain and that's it. Productivity is never an accident, it is always the result of commitment to excellence, intelligent planning and focused effort. जी किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं मुझे ओके मॉनिटर स्टेक होल्डर एंगेजमेंट अदनान प्लीज मॉनिटर स्टेक होल्डर एंगेजमेंट द प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर रिलेशनशिप्स एंड टेलरिंग स्ट्रेटजीज फॉर एंगेजिंग स्टेक होल्डर सर्टिफिकेशन ऑफ एंगेजमेंट स्ट्रेटजीज एंड प्लान्स इनपुट्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स वर्क परफॉर्मेंस डेटा EEF and OPF. Tools and techniques, data analysis, data representation, decision making, communication skills, interpersonal and team skills, meetings. Outputs, work performance information, change requests, project management plan updates, project documents updates. Okay. Any confusion in this? No. Achha ji. मॉनिटर स्टेक होल्डर एंगेजमेंट में आपने इंश्योर करना है कि मॉनिटर वो साथ रह रहे हैं उनके साथ टेलर सिचुएशन चल रही है मॉडिफाई कर रहे हैं अपनी अप्रोच को मेंटेन कर रहे हैं कम्युनिकेशन के साथ रह रही है मॉनिटरिंग स्टेक होल्डर एंगेजमेंट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इट मॉनिटर ओवरऑल प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर रिलेशनशिप एंड टेलरिंग स्ट्रेटजीज एंड प्लान फॉर एंगेजिंग स्टेक होल्डर्स मॉनिटरिंग स्टेक होल्डर रिलेशनशिप टेलरिंग देम एंगेजिंग देम इंक्रीज एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ स्टेक होल्डर एंगेजमेंट एक्टिविटीज एज पर प्रोजेक्ट इवॉल्व्स जी इनपुट्स आपकी वही आ रही हैं ठीक है जी ITTO डेटा एनालिसिस स्टेक होल्डर एनालिसिस करते हैं रूट कॉज और ऑल्टरनेटिव स्टेक मल्टी क्राइटेरिया वोटिंग होता है जी डेटा रिप्रेजेंट करते हैं करंट से डिजायर चेंज करते हैं ये क्लियर है ना मैट्रिक्स ये मैट्रिक्स क्लियर है सबको जी जी पहले भी पढ़ा हुआ है कम्युनिकेशन में लाना होता है हां प्रेजेंटेशन कर देते हैं फीडबैक लेते हैं एक्टिव लिसनिंग वेरी इंपॉर्टेंट कल्चर का बताना चाहिए लीडरशिप networking, political awareness,
मीटिंग्स होती हैं, आउटपुट में वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन आ जाती है कि कैसे उनको एंगेज फर्दर करना है, क्या उनका करंट लेवल है सॉरी डिजायर्ड लेवल क्या, कैसे उनको लेके चलना है, ठीक है। चेंज रिक्वेस्ट में भी इनिशिएटेड फॉर करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शन, स्टेक होल्डर एंगेजमेंट प्लान अपडेट होता है, बाकी सारे प्लान अपडेट हो जाते हैं कैसे आपने चीजों को लेके चलना है। क्लियर हो गया, एनी कंफ्यूजन? अच्छा जी, कंट्रोल क्वालिटी हमने पढ़ लिया। कंट्रोल क्वालिटी तो नहीं, कंट्रोल तो नहीं पढ़ा उसका। आज हमने कंट्रोल रिसोर्स से शुरू किया है ना? जी। ओके, लेट्स गो विद कंट्रोल क्वालिटी। अच्छा जी, कंट्रोल क्वालिटी जी, यही बुरान पढ़ते हैं। Control quality: the process of monitoring, recording, regards of executing the quality management activities in order to assess performance and ensure the project outputs are complete, correct, and meet customer expectations. ITTOs: inputs, project management plan, quality management plan, project documents, quality metrics, test and evaluation documents, approved change requests, deliverables, work performance data, EFs and OTs. Tools and techniques: data gathering, checklists, check sheets, statistical sampling, data analysis, performance reviews, root cause analysis, inspection, testing of product evaluation, data representation, tweaking, outputs, quality control measurements, verified deliverables, work performance information, change requests, the project management plan, updates, project performance updates. Data representation. Wait. Check sheets हमें already पता है, clear है ना? Check sheets हमने पढ़ी थी ना? वेरी सिंपल, वेरी सिंपल टूल। एक दो तीन चार लाइनें लगाए, आप जाके सैंपल चेक करते हैं, ये भी है, ये भी है, काट देते हैं। अब देखें डे वन मिसिंग पेपर वर्क, डे वन तीन पांच दो सारों को ऐड करके एंड में 22 आ जाता है। वेरी सिंपल, क्लियर? कंट्रोल चार्ट्स को एक्सप्लेन करेगा, कंट्रोल चार्ट्स क्या होते हैं? कंट्रोल चार्ट प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। जो प्रोसेस में वेरिएशन आ रही होती है ना, उसको खत्म करने के लिए ये होता है कि वेरिएशन खत्म हो सके। आप क्या करते हैं, अपर कंट्रोल लिमिट लगाते हैं, लोअर कंट्रोल लिमिट लगाते हैं, और अपने रीडिंग्स को इसके अंदर मेजर करते हैं, चेक करते हैं रीडिंग्स कहाँ जा रही है कहाँ नहीं जा रही, ठीक है। अगर रीडिंग्स इसके बाहर जाती है अपर कंट्रोल या लोअर कंट्रोल लिमिट के, तो इसका मतलब है वो स्पेशल कॉज है, यू नीड टू इन्वेस्टिगेट दैट कि ये इशू क्यों आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ये अपर कंट्रोल लोअर कंट्रोल लिमिट बेसिकली आप खुद लगाते हैं। अब हमने सिक्स सिग्मा कॉन्सेप्ट पढ़ा था, इसी तरह हमारे कस्टमर जो कहते हैं वो एक हमारे ऊपर लिमिट लगाते हैं, उसे कहते हैं अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट, लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट। वो प्लस माइनस 3 सिग्मा होता है बेसिकली ना, कि आप देखते हैं कहाँ वेरी कर रहे हैं कहाँ नहीं वेरी कर रहे हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये आपका मीन या मीडियम होता है। अगर लगातार 7 पॉइंट इससे एक साइड पे है ना, इसका मतलब है किसी ने प्रोसेस को डेटा को मैनिपुलेट किया या डेटा गलत है। क्लियर हो गया जी? अदनान प्लीज रीड करते हैं। कंट्रोल चार्ट यूज्ड टू ऑब्जेक्टिवली डिफाइन अ प्रोसेस एंड वेरिएशन। प्रोसेस कंटेन कॉसेस ऑफ वेरिएशन इज कंसीडर्ड स्टेबल, इंप्लाइंग दैट द वेरिएशन इज प्रेडिक्टेबल विद इन द एस्टैब्लिश्ड कंट्रोल लिमिट्स। प्रोसेसेस कंटेनिंग स्पेशल एज वेल एज कॉमन कॉसेस ऑफ वेरिएशन आर कंसीडर्ड अनस्टेबल। इन सच केसेस द स्पेशल कॉसेस fall outside the established control limits. Control charts can be plotted for tracking production failures, defects by schedule, effort, cost, and variances. Acha ji, further padhe aage. Quality control measurements. Quality control measurements are the documented results of control quality activities. Verified deliverables, a goal of the control quality process is to determine the correctness of the deliverables. The results of performing the control quality process are verified deliverables that become an input to the validated scope process. Work performance information includes information on project requirements, fulfillment, causes for rejections, network rework required, recommendations for corrective actions, lists of verified deliverables, status of the quality metrics, and need for process adjustments. Okay, QA aur QC mein kya farak hota hai? Quality assurance mein we make sure that we are doing the right way, jo sahi kaam us tarike se kar rahe hain. Quality control mein hum log expect karte hain cheez sahi aayegi. Quality assurance is about preventing the defects.
Quality control is about detecting the effects. Quality assurance is about deals with the process. Quality control is about the products. Quality assurance is a proactive approach. Quality control is a reactive or corrective approach. Okay. Any question? No. Okay. Quality assurance proactive kaise? Quality control nahi proactive nahi. अच्छा क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है एक्सप्लेन करें मतलब हम एश्योर करते हैं कि जो हमने क्वालिटी रिक्वायर्ड है वो हासिल वो गेन भी है हां बिल्कुल तो जब आप मेक श्योर कर रहे हैं कि जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू क्वालिटी हो वो होगा प्रिवेंटिव में कि आप बाद में चेक करते हैं कि ये मसला आया है ठीक है ड्यूरिंग प्रोसेस आप ठीक है करें टू क्वालिटी क्लियर हो गया जी ठीक अच्छा जी इसको जरा इसमें से देखते हैं जी पढ़िएगा बुरहान कंट्रोल क्वालिटी मॉनिटरिंग एंड रिकॉर्डिंग रिजल्ट्स ऑफ एग्जीक्यूटिंग द क्वालिटी एक्टिविटीज टू असेस परफॉर्मेंस एंड इंश्योर आउटपुट्स आर कंप्लीट करेक्ट एंड मीट कंज्यूमर कस्टमर एक्सपेक्टेशन एग्जीक्यूशन ऑफ क्वालिटी एक्टिविटीज असेस परफॉर्मेंस good, poor, excellent. The key benefit is project deliverable meet the requirements specified by the key stakeholders for final acceptance. Okay. जी आगे पढ़िएगा. Prevention, instruction and attribute sampling. Prevention. It is about keeping errors out of process. This is achieved through proper planning. Inspection. It is about keeping errors out of hand of the customer. This is achieved through controlled quality. Attribute sampling. The result either confirms or does not confirm. Use in statistical sampling. It is like ETA fault tree analysis. एक मिनट वेट कीजिएगा जरा मैं आता हूँ एक मिनट प्लीज यार वो सेमन क्या करना याद नहीं करवाना नहीं बता भी नहीं तो टाइम ही नहीं मिला मैं इकट्ठा होने का आप लोगों के पास था टाइम यार घर आके भी मतलब मैं सोच रहा था घर आके मेरे लिए ना 5 से 6 घंटे पढ़ना बड़ी इजी जॉब होगी लेकिन घर के मतलब काम इतने ज्यादा खुले में वो भी देखना मुश्किल हो जाता है मैं सारा दिन बस सोचता हूँ कल मैं कुछ भी नहीं पढ़ सकता परसों मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था और कल मैं तकरीबन 9-10 बजे आ लगे अमित मैंने मुझसे पूछा भी कल 9:30 बजे क्लास रखना तो मैं तकरीबन कल 10:30 बजे जाके मुझे घर में आसानी होती थी पढ़ने में इधर आके बिल्कुल नहीं किया जा रहा जॉब साइट बहुत मुश्किल है साइट पे तो बहुत मुश्किल है हमारी साइट पे स्पेशली मतलब आप लोग 24 और आप लोग साइट के ऊपर एंगेज हो हमारे जॉब संभालने के जब वो 27 फरवरी की एस्केलेशन चल रही थी ना जैसे उस वक्त एयरफोर्स का बिहेवियर था उस तरह का हमारा हर वक्त होता है 15 मिनट में बंदे टर्बाइन के ऊपर चाहिए होते हैं मैं हैरान हूँ वैसे इतना भी फिर भी आपको काफी टाइम मिल जाता पढ़ने का मैंने कब पढ़ा यार मुझे आता ही कुछ नहीं है अच्छा जी भी आप जैसे चीज एट्रीब्यूट सैंपलिंग है फिर वेरिएबल सैंपलिंग है फिर हम देखते हैं टॉलरेंस क्या है कंट्रोल लिमिट्स क्या है ये कॉन्सेप्ट है कुछ क्वालिटी के इनपुट्स होगी हमारी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान डॉक्यूमेंट्स अप्रूव्ड चेंज रिक्वेस्ट डिलीवरेबल वेरी इंपॉर्टेंट द पर्पस ऑफ दिस क्वालिटी कंट्रोल टॉपिक इज कि डिलीवरेबल्स प्रोड्यूस जो होते थे ना एग्जीक्यूशन के अंदर वो इसमें आते हैं और क्वालिटी उसको वेरीफाई करती है और हमारे पास आउटपुट में आते हैं वेरीफाइड डिलीवरेबल हर 49 प्रोसेसेस का कोई ना कोई मकसद है इस प्रोसेस का मकसद है कि इसने वेरीफाइड डिलीवरेबल प्रोड्यूस करने हैं वर्क परफॉर्मेंस डाटा एंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर ओपीए टूल्स एंड टेक्निक चेकलिस्ट चेकशीट स्टैटिकल सैंपलिंग एंड क्वेश्चनेयर्स ये क्लियर है आप सबको हाँ जी अदनान जी क्लियर ओके चेकशीट चेकलिस्ट सिंपल चेकशीट डाटा गैदरिंग स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग पूरे सैंपल को आप चेक नहीं कर सकते उसमें कुछ सैंपल ले लें अगर पूरे सैंपल को करना है तो क्वेश्चन या सर्वे भेज दें उसे लोग चेक कर लें परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है रूट कॉज एनालिसिस किया जाता है इंस्पेक्शन में आप रिव्यू करते हैं खुद रिव्यू करते हैं पीयर रिव्यू जो आपके कोलीग्स होते हैं वो रिव्यू करते हैं ऑडिट्स होता है और वॉक थ्रू होता है प्रोडक्ट की वैल्यूएशन होती है कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम इस्तेमाल करते हैं इसी वीक हम डिस्कस कर चुके हैं
कंट्रोल चार्ट्स इस्तेमाल करते हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं जी। जो अपर कंट्रोल लोअर कंट्रोल लिमिट होती है इसे कहते हैं थ्री, ये थ्री सिग्मा पे बेसिकली होती है। अगर चीज इसमें से फॉल आउट करे तो आप देखते हैं प्रॉब्लम है। ऊपर अपर स्पेसिफिकेशन लोअर स्पेसिफिकेशन ये कस्टमर की लिमिट्स होती है। आपने अपने प्रोसेस को ज्यादा ऑप्टिमाइज करना होता है एज कम्पेयर टू कस्टमर रिक्वायरमेंट। ये पूछ सकता है 1, 2, 3, 6 सिग्मा किसके बराबर है। 1 सिग्मा इसका, ये 3 सिग्मा जो है स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूला से आती आएगी। हाँ हाँ, लेकिन आपने कैलकुलेट नहीं करने, वो इसमें पीएमपी के स्कोप में भी है, वो लीन सिक्स सिग्मा के स्कोप में। अगर आपने सीखना होगा तो वी कैन टॉक अबाउट इट अदर टाइम। अपर कंट्रोल लिमिट, लोअर कंट्रोल लिमिट, ये मीन की वैल्यूज हैं। ये देखें पॉइंट अपर कंट्रोल लिमिट से बाहर चला गया तो ये आउट ऑफ कंट्रोल है, ये स्पेशल कॉज है, आउटलायर आ गया। हाँ, अब देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 रूल ऑफ 7, लगातार 7 पॉइंट अगर मीन के किसी एक तरफ आ जाए ना, इसका मतलब डाटा मैनिपुलेट किया गया या डाटा ठीक नहीं है। ठीक है, हिस्टोग्राम, स्कैटर डायग्राम, ये हम पढ़ चुके हैं। नो रिलेशन, पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव रिलेशनशिप। अगर कोई चीज ना क्लियर हो मुझे बताइएगा प्लीज। क्वालिटी कंट्रोल में मीटिंग्स होती हैं, यू गेट वेरीफाइड डिलीवरेबल। जी अदनान प्लीज रीड करें। क्वालिटी कंट्रोल मेजरमेंट्स, these are the documented results of the activities done in the control quality process, data gathering, inspection, testing, product evaluations. Testing product evaluations, inspection, quality control results are number of test cases executed, number of test cases passed, number of test cases failed, number of open defects, number of closed defects. Okay, please continue. Verify deliverables. Goals of control quality is to verify the correctness of deliverables. Deliverables are either verified or rejected. Verified deliverables become input to validate scope process for formal acceptance. Okay. Work performance information produce होती है, वो क्या होती है अदनान please? Work performance data is compared during this process to the quality metrics to find variances. The result is below work performance information. Of project requirements, causes of rejections, recommendations for corrective actions, rework required, list of verified deliverables, status of quality metrics, need for process adjustment. Okay. Change request आती हैं, PM plan update होता है, documents update होते हैं, and that's it. Goals are like magnet, they will attract the things that make them count true. जी, should we continue के is this enough for today?